नमस्कार लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ सौम्य राठी। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नजर। बिहार विधानसभा बजट सत्र का 19वां दिन विधायक फंड को लेकर आरजेडी कांग्रेस विधायकों में हुई तूतू में झुककर पीएम का अभिवादन करने पर सीएम नीतीश को आरजेडी ने निशाने पर लिया। बिहार में भी उठने लगी समान नागरिक संहिता लागू करने की मांग। केंद्रीय विद्यालय में सांसदों का कोटा खत्म करने की सुशील मोदी ने उठाई मांग। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट कर बिहार की सियासत में लाया भूचाल। बोले वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का। सांसद अजय निषाद मुकेश सहनी को बख्शने के मूड में नहीं। बगहा में भीषण आग लगी, 2 दर्जन घर जलकर राख हुए। मुजफ्फरपुर में बेटी ने माँ बाप की हत्या, पुलिस ने किया गिरफ्तार। और हाजीपुर में एक बस में आग लगी, ड्राइवर झुलसा। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा की कार्यवाही का 19वां दिन काफी हंगामेदार रहा। सदन में संविधान पर चर्चा हुई, इसके लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया गया। भाजपा विधायक संजय सरावगी ने प्रस्ताव रखा कि सदन में विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ाई है, आसन का सम्मान नहीं किया गया। इसके बाद हंगामा होने लगा। इससे पहले सदन में सभी सदस्यों को संविधान की मूल प्रति दी गई थी। हालांकि इस दौरान सत्ता एवं विपक्ष के ज्यादातर सदस्य सदन में मौजूद नहीं थे। उपमुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद सहित सत्ता पक्ष के 10 मंत्री ही मौजूद रहे। वहीं विधायक फंड को लेकर कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा और मंत्री विजेंद्र यादव के बीच तूतू मैमे हो गई। विधायक महाबली सिंह यादव ने पूछा कि एमएलए फंड बढ़ाने को लेकर क्या कुछ हुआ है, ये साफ किया जाए। मंत्री विजेंद्र यादव ने बताया कि फिलहाल 3 करोड़ से ज्यादा का फंड बढ़ने का कोई इरादा नहीं। नीतीश कुमार द्वारा नरेंद्र मोदी को झुककर प्रणाम करने को लेकर आरजेडी ने कटाक्ष किया है। सदन में आरजेडी के विधायकों ने कहा कि सीएम नीतीश के इस तरीके से प्रणाम करने से बिहार शर्मसार हुआ है। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि नीतीश जी गलत प्रधानमंत्री के गोड़े पर गिर गए। होगा उन लोगों का कुछ मजबूरी, कुछ यहां के सरकार का, कुछ वहां के सरकार का, कुछ मजबूरी रही होगी, क्या कीजिएगा। तो वहीं राजद प्रवक्ता भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार द ग्रेट मुख्यमंत्री है। नीतीश कुमार अपनी कुर्सी बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। नरेंद्र मोदी के सामने स्त्रियों के जैसे साष्टांग हो गए। ये वही नीतीश कुमार है जिन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाएंगे, लेकिन भाजपा से हाथ नहीं मिलाएंगे, भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार की वजह से एक बार फिर से बिहार शर्मसार हुआ है। नीतीश कुमार क्या चाहते हैं वे कुछ बताएं। उत्तराखंड कैबिनेट में सामान नागरिक संहिता का प्रस्ताव आने के बाद अब इसे बिहार में बिलाने की मांग तेज होने लगी। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बछवाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार का फैसला स्वागत योग्य है, इसे बिहार में लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ये कानून किसी पार्टी का नहीं बल्कि राष्ट्र का कानून है। बछवाल ने कहा कि इस कानून से सभी का भला होने वाला है, इसीलिए इसको बिहार में लागू करना चाहिए। बिहार कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाना चाहिए। आरजेडी ने बीजेपी की इस मांग का विरोध किया है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि ये सरकार का नहीं बल्कि आरएसएस का एजेंडा लागू किया जा रहा है। सरकार सभी धर्मों को बांटकर राजनीति करना चाहती है। कांग्रेस ने भी इसका विरोध जताते हुए इसे वर्ष 2024 की तैयारी बताई। कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा कि बीजेपी अपने मुद्दों के साथ 2024 को लोकसभा चुनाव के लिए माहौल बना रही है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने शिक्षा मंत्री से केंद्रीय विद्यालय से सांसद कोटे खत्म करने की मांग की है। मोदी ने कहा कि इसके कारण लोगों ने उनका जीना हराम कर दिया है। इस कोटे से वे सिर्फ 10 छात्रों का दाखिला करा सकते हैं, जबकि सैकड़ों की संख्या में लोग इसके लिए फोन करते हैं। ट्वीट कर लिखा है कि राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान मैंने मांग की कि केंद्रीय विद्यालयों में प्रत्येक सांसद की 10 सीटों की ऐच्छिक कोटा तथा विद्यालय प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के नाते जिलाधिकारी आयुक्त का 17 सीटों का कोटा अविलंब समाप्त किया जाना चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रसाद ने अपना असीमित कोटा समाप्त कर लिया है, जबकि उनकी पूर्व के शिक्षा मंत्री की अनुशंसा पर 2020 से 21 में 12,295 छात्रों का नामांकन हुआ था। उन्होंने कहा कि मैं कोटा बढ़ाए जाने के पक्ष में नहीं बल्कि समाप्त करने के पक्ष में हूं, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सांसद विधायक मंत्री के पास किसी प्रकार का स्वैच्छिक कोटा नहीं होना चाहिए। राजद सुप्रीमो लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव फिर एक बार सुर्खियों में। तेज प्रताप ने एक ट्वीट करके फिर से आरजेडी की चिंताएं बढ़ा दी है। तेज प्रताप यादव ने ट्वीट करके नसीहत दी है, साथ ही किसी बड़े खुलासे का जिक्र भी किया है और लिखा है कि वक्त आ चुका है एक बड़े खुलासे का, जल्द उन सभी चेहरों को के नकाब उतारूंगा जिन्होंने मुझे ना समझ समझने की भूल की है। तेज प्रताप यादव की ट्वीट के बाद अब राजद में सबसे अधिक खामोशी है। बता दें कि तेज प्रताप यादव अपने ही दल के कई नेताओं और परिवार के बेहद करीब रहने वालों से नाराज चल रहे हैं। इससे पहले भी कई बार तेज प्रताप राजद के वरिष्ठ नेताओं से आमने सामने हो चुके हैं, हालांकि उनके ट्वीट के अभी कई मायने निकाले जा रहे हैं। मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद ने मंत्री मुकेश सहनी के खिलाफ चल रही जुबानी जंग को सोशल मीडिया तक पहुंचा दिया है। अब उन्होंने सोशल मीडिया पर मंत्री के खिलाफ वॉर शुरू कर दी है। महान कवि रामधारी सिंह दिनकर की कविता की 5 पंक्तियों के जरिए उन्होंने अपनी मंशा जाहिर कर दी है। बीजेपी अब मंत्री सहनी को बिल्कुल भी बख्शने के मूड में नहीं है। सांसद निषाद लगातार हमलावर रुख अपनाए हुए हैं। हालांकि उन्होंने मंत्री का नाम नहीं लिखा है, लेकिन कविता की पंक्तियों ने जो अर्थ निकाल कर आ रहा है उससे स्पष्ट है कि निशाना किसके। उन्होंने हाल में ही सहनी को प्रायश्चित तक करने की बात कही थी। उन्होंने कहा है कि जो पाप सहनी ने किया है उसे प्रायश्चित वे बुचाहा उपचुनाव में बीजेपी उम्मीदवार की मदद करके कर सकते हैं, लेकिन मंत्री मुकेश सहनी ने किसी की नहीं सुनी और पूर्व मंत्री रमई राम की बेटी डॉक्टर गीता को टिकट देकर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। पश्चिम चंपारण के बगहा में भीषण आगलगी की घटना घटी है। आग की लपटों ने विकराल रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते 25 घर जलकर खाक कर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि गैस सिलेंडर ब्लास्ट होने से यह घटना हुई है। ठखारा के नफका टोला की घटना बताई जा रही है। बगहा में आग ने जमकर कहर बरपाया। अचानक लगी इस आग ने देखते ही देखते अपने पांव पसार लिए और दर्जनों घर को अपनी जद में ले लिया। करीब 10 बजे के बाद लगातार तेज पछिया हवा चल रही थी। गांव में रोड किनारे की बस्ती को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। ठकराहा क्षेत्र अंतर्गत बथुआ गांव की यह घटना है। यह गांव उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा पर है। लोग सड़क किनारे बने अपने घर में खाना पका रहे थे और अचानक आग लग गई। आग ने भयावह रूप ले लिया और दर्जनों घरों को अपनी चपेट में ले लिया।
मुजफ्फरपुर में एक बेटे ने संपत्ति विवाद में अपने माँ बाप को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। जिले के पारू थाना क्षेत्र के खुटाही में युवक सुबह अपने माता पिता से संपत्ति में हिस्सा मांग रहा था। माँ बाप के इनकार करने पर उसने पहले दोनों के साथ मारपीट की, उसके बाद सिलेंडर से एक एक करके दोनों को कूच कर मार डाला। यही नहीं, उसने बीच बचाव करने के लिए अपने भावुक भी हत्या करने की कोशिश की, लेकिन वह बचकर भाग निकली। भावों ने शोर मचाते हुए लोगों को इसकी जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही काफी संख्या में लोग मौके पर जुट गए। आरोपी बचकर भागने का प्रयास करने लगा, लेकिन लोगों ने घर के दरवाजे को बाहर से बंद कर दिया, जिससे वह घर में ही कैद हो गया। आरोपी घर के अंदर से लोगों को धमकी दे रहा। हाजीपुर में एक बस में भीषण आग लग गई। आग में बस ड्राइवर बुरी तरीके से झुलस गया है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। यात्रियों को उतारने के बाद बस को खाली जगह पर लगाने के क्रम में तार से संपर्क हुआ और यह हादसा हो गया। देखते ही देखते आग ने पूरी बस को अपनी जद में ले लिया और बस धू धू कर जलती रही। आग की चपेट में आया बस हाजीपुर में से पटना जा रही थी। बस से यात्रियों को उतारकर खाली जगह पर लगाया जा रहा था। अचानक ही बस ने आग पकड़ ली और देखते ही देखते आग की तेज लपटों ने बस को अपने आगोश में ले लिया। बस धू धू कर जलने लगी। इस घटना के बाद बस का चालक बुरी तरीके से झुलस गया है। बस में आग की जानकारी मिलते ही अग्निशमन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। दो दमकलों की मदद से आग पर काबू पाया गया। अब अन्य वीडियोस के लिए लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।